हमारे साथियों और हमारे बीएचयू के पूर्व अलुमनाई और भी जो लोग देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं पत्रकार लोग, उनको मैं क्रांतिकारी जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। और साथियों, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, मेरी आदत नहीं है, सीधे बात करूंगा और साफ बात करूंगा। कल हमारे वीसी का इंटरव्यू आया, पूरे देश सुना, पूरी दुनिया सुनी, आपने भी सुना होगा। साथियों, मैं पिछले 5 सालों से उस विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और हर एक जर्रे जर्रे से मालूम है कि वहाँ पे क्या होता है, क्या चल रहा है। आप लोग आँख मूंद करके देखते हैं या नहीं देखते हैं, मुझे नहीं मालूम है। देख रहा हूँ चीज़ों को। जो सरकार आई 2014 के बाद, उसके बाद जो नियुक्तियाँ हुई विश्वविद्यालयों में, जितने भी संगी नमूने थे जिनको कुछ नहीं आता जाता था, उनको विश्वविद्यालय का कुलपति का पद दे दिया गया। आप आशा कर सकते हैं कि अगर एक ऐसे व्यक्ति को जो कुछ नहीं जानता हो, जिसको कुछ नहीं आता हो, उसको आप अगर एक ऐसे विश्वविद्यालय का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अगर कुलपति बनाएंगे तो उस यूनिवर्सिटी की हालत क्या होगी। एक शेर याद आ रहा है दोस्तों कि बर्बादे गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। और यहाँ हर यूनिवर्सिटी में उल्लू बैठा है और न जाने गुलिस्ता क्या होगा, इस देश का क्या होगा, हम कह नहीं सकते। 3 लोग अभी हैं, अभी पूरे सिनेरियो में 3 लोग हैं देश के जिले इलाही, जो कि दिल्ली में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भी कोई बेटी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो यूपी में बैठे हैं, उनकी कोई बेटी नहीं है। और जीसी त्रिपाठी की बेटी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनसे सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर जिनकी बेटियां नहीं है तो वो बेटियों की इज्जत क्या करेंगे, वो बेटियों को कैसे बचाएंगे, मुझे नहीं समझ में आता। पहले साथियों, जो बीएचयू में हो रहा है ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं, ये चीजें पहले भी हुई, इसके पूर्व वाली सरकारों में भी हुई, वर्तमान सरकार में ये आके बढ़ गई। आज जो बीएचयू है वो शिक्षा का केंद्र ना रह करके आरएसएस और संघ का, बीजेपी का एक्सपेरिमेंटल लैब बना दिया गया है। जो नए बच्चे आते हैं उनके दिमाग में संघी जाल को खोला जाता है और उसमें मुझे भी ले जाया गया था। मैं उन सब चीजों को फेस करके निकला हूँ, तो मुझे इस चीज की बहुत अच्छी जानकारी है कि बीएचयू में क्या हो रहा है। बीएचयू में जीसी त्रिपाठी को इसलिए नियुक्त नहीं किया गया कि वो कुलपति बने और बीएचयू की चीजों को देखे। अगर इस नजरिए से आप देखते हो कि वो कुलपति है तो ये आप बिल्कुल गलत नजरिए से देख रहे हैं। उनको इसलिए लाया गया कि बीएचयू में जो 16 शाखाएं हैं वो 26 शाखाएं लगे पूरे बीएचयू कैंपस में, और हर एक लड़का, हर एक जो छात्र है वो चड्डी पहने और उनको संघ में भर्ती करवाया जाए। पहला मोटो है संघ का बीएचयू में, और वो एक ऐसा गढ़ बनाना चाहते हैं, एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं जहाँ इंद्रेश कुमार जैसे लोग आकर के, इंद्रेश कुमार जैसे आतंकवादी लोग आकर करके वहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं, लोगों को परगलाने का काम करते हैं। अगर बीजेपी और आरएसएस के लोग आते हैं तो उनको बोलने दिया जाता है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस में एकेडमिक बातें जो होती हैं उनमें वक्ताओं की जगह प्रवक्ताओं को अगर बुलाया जाएगा तो क्या होगा। बीजेपी के झंडे के तले, भगवा झंडे के तले वहाँ पर एक सेमिनार हुआ था हाल ही पॉलिटिकल साइंस में, उसका थीम था कि राष्ट्र के निर्माण में संघ का योगदान। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में संघ का क्या योगदान हुआ था। पिछले दिनों जो घटना हुई है वो इस तरह से हुई है कि लड़कियों का जो बाजी डिमांड था, और ये डिमांड लगातार वहाँ उठते रहे, ये कोई पहला डिमांड नहीं था, ये आक्रोश पहले से था और ये चल रहा था। उस दिन ये हुआ कि लड़कियों ने प्रधानमंत्री का रास्ता बदल दिया, और जो हमारा बीसी है वो प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा चाटुकार है, और ये जो लाठियां चलाई गई वो इस तरह चलाई गई कि आपने हमारे प्रधानमंत्री, हमारे आका का रास्ता बदल दिया तो हम आपको बता देंगे कि हम कौन है। ये कोई है, ये जो जीसी त्रिपाठी है उसके आप प्रोफाइल को चेक कर लीजिए, उसके आप जीवन को देख लीजिए, वो 40 साल से संघ का दलाल है, और वो सिर्फ बदले की भावना से की गई थी, वो पूरा बदला लेने के लिए किया गया था लाठीचार्ज। और कल झूठ होकर के क्या बोलते हैं नेशनल मीडिया के सामने, वो नेशनल मीडिया के सामने बोलते हैं कि नहीं, लाठियां नहीं चली, पूरा देश देख रहा है, पूरा जो देश देख रहा है, सोशल मीडिया पर देख रहा है, मीडिया पर देख रहा है कि लड़कियों को किस बेरहमी से पीटा गया, और उसके बाद इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि नहीं, लड़कियों को नहीं पीटा गया है। अरे इससे बड़ा बेशरम कोई आदमी अगर हो नहीं सकता है, अगर सबसे बड़ा बेशरम आदमी है तो आज पूरे इंडिया में 3 लोग हैं, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और जीसी त्रिपाठी। साथियों, अभी हम आपको कॉल करने आए हैं, बहुत कम संभव में मैं बात करूंगा। मैं आपसे ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमने जो लड़ाई शुरू की है, ये लड़ाई, ये सरकार जो आई है, जो हमारे विचारधारा और जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म
खत्म करना चाहती है तो हम उस डाइवर्सिटी को जिंदा रखेंगे, हर एक कैंपस में जिंदा रखेंगे, चाहे वो जेएनयू हो, डीयू हो या कोई और कैंपस हो। हम इसको विश्वास दिलाना चाहते हैं आपको, और हमारे हमारे शरीर में जब तक एक एक कतरा बचा रहेगा तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, और जिस भी कैंपस में है हम उसको सुरक्षित करने का काम करेंगे। और हम नरेंद्र मोदी को बता देना चाहते हैं कि महाशय आप आ जाइए, 2019 में हम आपको खेल दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अगर बीएचयू में आप घुस गए तो कसम, जो हमारी माँ है, जो हमारी बहनें हैं, जिसके साथ छेड़खानी हुई है, या तो हम रहेंगे या आप रहेंगे, उस अगर बीएचयू सामने खदेड़ करके नहीं भगा दिया नरेंद्र मोदी को, तो हमारा नाम नहीं, हमारा अस्तित्व नहीं। ये जो लड़ाई है वो किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, कोई औरत और महिला की लड़ाई है, किसी पुरुष की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे संघर्षों की लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। अगर हम इसको आज हार गए तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और हम इसको इसलिए लड़ेंगे कि हमें हमारा अस्तित्व बचाना है। तो साथियों, इसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, और हम इस चीज को कहना चाहते हैं आपसे कि जितने भी लोग हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी है, वो हमारी सॉलिडारिटी में है, और हम इस लड़ाई को आगे रखेंगे। हमें इसमें आपकी सहयोग की बहुत जरूरत है, और आप लोगों का सहयोग पूरी दुनिया से और पूरे भारत से हमें मिल रहा है, और इसकी हमें उम्मीद पड़ेगी। और जब भी जरूरत करे, हम जब भी आपको बुलाएं, प्लीज हमारे कॉल पर आइए। जय जय हिंद, जय भारत।